हे एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिया क्लासेस। सो आज हम शुरुआत करने वाले किसकी? प्रोबेबिलिटी की, वन शॉट रिवीजन की, जो क्लास 11 मैथ्स का एक चैप्टर नंबर 16 है प्रोबेबिलिटी, उसका वन शॉट रिवीजन। हर एक पार्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का, क्या क्या इसके अंदर इवेंट्स कैसे बनते हैं, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कितने टाइप्स की इवेंट्स होते हैं, शुरू से लेकर एंड तक सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर करेंगे। और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू यूजर हो, और वीडियो लाइक जरूर कर देना जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी आज हमने थोड़ा सा लाइटिंग के अंदर चेंज करा। फटाफट से एक बार लाइव चैट में आके बता दो, क्या लाइटिंग प्रॉपर आपको दिख रहा है? बोर्ड, क्या बोर्ड आपको प्रॉपर विजिबल है? जल्दी से एक बार बताओ क्या बोर्ड आपको प्रॉपर विजिबल है। फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का वन शॉट रिवीजन डिस्कस करेंगे, हर एक पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, इवेंट्स कैसे बनते हैं, सैंपल स्पेस कैसे बनाए जाते हैं, कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से लाइव चैट में आओ, लाइव चैट में आके बताइए क्या यहाँ पे प्रॉपरली बोर्ड आपको दिख रहा है, क्योंकि लाइटिंग में आज थोड़ा सा चेंज किया गया है, आज। सो देखते हैं उसके अंदर क्या होगा। ये सर, बोर्ड इज क्लियर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और एक बात, आज मैं इस टाइम लाइव आया हूँ क्योंकि आज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो यहाँ हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, महाशिवरात्रि। सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दिल से आपको महाशिवरात्रि के बहुत चलिए हैप्पी शिवरात्रि टू, हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन, हैप्पी महाशिवरात्रि। चलिए उसके बाद आज शुरुआत करता हूं इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी। क्योंकि देखिए, अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी आती है ना, तो आप 12th की प्रोबेबिलिटी में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए 12th की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट है बोलता हूं, लेकिन अगर आपको 11th की प्रोबेबिलिटी आती है, तो 12th की प्रोबेबिलिटी में ज्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं है। चलिए शुरुआत करता हूं यहां से, बहुत अच्छा लेक्चर है। सबसे पहले आपको इवेंट्स बनाने सिखाऊंगा, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना सीखते हैं। जो एक्सरसाइज आसान है वो आपको नहीं कराई जाएगी, वो आप अपने अपने खुद करनी है। मैं यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस बनाने सिखा रहा हूँ, सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी ट्रिक्स मिलने वाली है, कैसे हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते, वो ध्यान से सुनना। सैंपल स्पेस की बात करूं, सैंपल स्पेस में सबसे पहले तीन चीजों के सैंपल स्पेस आपको बनाने आने चाहिए, कॉइन का और एक डाई का, और एक डाई का और एक तीसरा आता है हमारे पास कार्ड्स का। इन कार्ड्स के, इन तीनों के सैंपल स्पेस बनाने आने चाहिए। सबसे पहले डिस्कशन करता हूं कॉइन की, किसकी? कॉइन की। नाउ अगर आपको ये बोल देते हैं कॉइन इज टॉस्ड वंस, अगर कॉइन को एक बार थ्रो करते हैं, सो इसके नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस किसके बराबर होंगे? 2^1, दैट इज 2। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने का फॉर्मूला 2^n होता है, ठीक। चलिए अब व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज टोटल आउटकम, अब इस सैंपल स्पेस को क्या बोला जाता है? जो टोटल आउटकम्स आएंगे हमारे पास, द टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब दो आउटकम होते हैं, कॉइन को एक बार टॉस करूंगा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, देर आर नो पॉसिबल अदर आउटकम्स, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है, हेड या टेल ही आ सकता है। उसके बाद अगर टू टाइम्स टॉस करता हूं, अ कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स, द नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 2^2, 2^n की बात कर रहा हूं, वेयर एन इज नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड, कितनी बार एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक। 2^2, 4 आउटकम्स होंगे। अब ये चार आउटकम्स कई स्टूडेंट तो बहुत इजीली बना लेते हैं, कई स्टूडेंट्स को ये आउटकम्स बनाने में दिक्कत होती है, चार बना लोगे लेकिन आठ आउटकम्स आगे फिर डिफिकल्टी होगी, कैसे करना है? ये चार आउटकम्स थे, इन चार आउटकम्स को कैसे बनाओगे? आप 4 का हाफ कर लो, 4 का हाफ कितना होगा? 2, 2 टाइम्स आपने हेड लिखना और 2 टाइम्स आपने टेल लिखना है। फिर इसके बाद 2 आया था, 2 का हाफ कर लेता हूं, 2 का हाफ कितना होगा? 1, 1 टाइम हेड आएगा, हेड टेल, ये चार आउटकम आपके बन गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार टॉस करा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर आ जाता है, क्या बोल रहा हूं इसके अंदर, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार टॉस करा। इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे भी कर सकते हैं, अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, ऐसे इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आएंगे, कैसे इसके अंदर आउटकम्स बनेंगे, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स किसके बराबर होते हैं, 2^3, 8 आउटकम्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, वो बनाने में डिफिकल्टी, मतलब इसको थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा ट्रिक है बनाने का, ध्यान से सुनना। ये नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं?
4, नंबर ऑफ सॉरी 8, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 8, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, 8 का हाफ कितना होगा 4, 4 टाइम्स आपका हेड आ जाएगा, 4 टाइम्स आपका हेड आएगा और 4 टाइम्स आपका टेल आएगा, 4 टाइम्स आपका टेल आएगा, क्लियर होगी बात, 4 बार हेड आएगा और 4 बार टेल आएगा। इसके बाद बात करता हूं 4 आया था, इस 4 का हाफ कर दो कितना बचेगा 2, 4 का हाफ कर दो 2 बचेगा, दो बार हेड आएगा और दो बार टेल आएगा, दो बार हेड आएगा और दो बार क्या आएगा टेल आएगा, फिर 2 का हाफ कर दूंगा कितना हो जाएगा 1, 1 टाइम हेड, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। आप देख सकते हो 8 के 8 आउटकम्स अलग है, 8 के 8 आउटकम्स अलग है, दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स व्हेन कॉइन इज चूज 3 टाइम्स। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है तो ये 8 आउटकम्स पॉसिबल है, तो ये 8 आउटकम पॉसिबल है। इतनी बातें समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक कॉइन को एक बार टॉस करूंगा 2 आउटकम, दो बार टॉस करूंगा 4 आउटकम, 3 बार टॉस करूंगा 8 आउटकम्स। ये आउटकम्स हम बना चुके हैं, ये आउटकम्स हम बना चुके हैं कॉइन को जब टॉस करते हैं, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आपके पास 16 आउटकम्स आ जाए, अगर कॉइन को 4 बार टॉस करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर कॉइन को 4 बार टॉस करता हूं 16 आउटकम्स होंगे, दैट इज 2 रेज्ड टू पावर 4, 16। उन 16 आउटकम्स को कैसे बनाओगे, 16 का हाफ कर लेना 8, 8 टाइम्स हेड आ जाएगा 8 टाइम टेल्स, फिर उसके बाद क्या कर लोगे 8 का हाफ करूंगा 4, 4 टाइम्स हेड आएगा 4 टाइम टेल, फिर 4 का हाफ 2 हो जाएगा, दो बार हेड आएगा दो बार टेल, फिर 2 का हाफ 1 होएगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल चलने वाला है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये आउटकम्स बनाने हैं, कॉइन के सारे आउटकम्स बनाने सिखा दिया आपको। पहली एक्सरसाइज आपकी जो 16.1 है वो सिर्फ सैंपल स्पेस से रिलेटेड है, वो सिर्फ सैंपल स्पेस से रिलेटेड, आपको सिर्फ सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। इसके बाद सेकंड थिंग इज अबाउट डाई, सेकेंड थिंग इज अबाउट डाई, डाई के ऊपर चलता हूं, डाई के ऊपर कैसे बना जाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फिर बता रहा हूं, सैंपल स्पेस बनाना सीख लो, प्रोबेबिलिटी बनानी आ जाती है। अगर बात करूं डाई की, डाई को 1 टाइम थ्रो करता हूं, अ डाई इज थ्रोन वंस, 1 टाइम थ्रो करा, तो इसके नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं 6 रेज्ड टू पावर एन, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स या सैंपल स्पेस क्या होते हैं हमारे पास 6 रेज्ड टू पावर एन, 6 रेज्ड टू पावर एन, ठीक। अगर मैंने 1 टाइम थ्रो करा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 6 रेज टू पावर 1, दैट इज 6। सभी को कॉमन सेंस है, जो आप लूडो खेलते हो उसके अंदर जो हमारे पास गिट्टा होता है जिसको हम बोलते हैं ऐसे, वो उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 6, जो वो डाई होते हैं 1, उसके सैंपल स्पेस कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स उसके बनने वाले हैं, ये 6 आउटकम इसके बनने वाले हैं। अच्छा एक बार लाइव चैट में आके बता दो, अगर डाई को 2 बार थ्रो करते हैं, 2 टाइम्स थ्रो करता हूं, नंबर ऑफ आउटकम्स बनाओगे बताओ कितने होंगे उसके, व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ आउटकम या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होने वाले हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस 36, एक आंसर आ गया 36, कितने आउटकम्स होंगे उसके 36, 6 रेज़ टू पावर 2 दैट विल बी 36, उसके 36 आउटकम्स होंगे। वो 36 आउटकम कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले 1 के बाद 1 पॉसिबल है, 1 के बाद 2 पॉसिबल है, अप टू 1.6, अप टू 1.6, फिर 2 के बाद 1 पॉसिबल है, ये 2 ले 2 के बाद 6 तक आ सकता है, 2.1, 2.2, 2.3 अप टू 2.6, फिर इसके बाद 3.1 अप टू 3.6, ऐसी सिमिलरली 4.1 अप टू 4.6, 5.1 अप टू 5.6 एंड 6.1 अप टू 6.6, 6.1 अप टू 6.6, ये पॉसिबल 36 आउटकम्स है, दीज आर दी पॉसिबल 36 आउटकम्स, ये 36 आउटकम्स पॉसिबल है, ठीक। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास, इसके बाद बात आएगी भी, अगर कॉइन इज टोस्ट अ कॉइन सॉरी अ डाई इज थ्रोन थ्राइस, A die is thrown thrice. अगर मैंने die को 3 बार टॉस कर दिया, A die is thrown thrice, number of sample space, number of sample space, कितने sample space होंगे? 216. मयंक का आंसर, प्रणव का आंसर 216. Right, the answer is 216. अब ये 216 outcomes बनाना possible नहीं है. It is impossible to form these 216 outcomes. So, कभी भी आपका ये question आ जाए जब die को 3 बार throw करेंगे, this question is solved by using permutation and combination. Permutation और combination का use करके इस question को solve करने वाले, जल्दी बताऊंगा कैसे solve करेंगे, बहुत important question है, बहुत important question होता है इससे related. तो ये भी बन गया हमारे पास, ये coin हो चुका, die हो चुका, कितने sample space होते हैं ये बता दिया इसके अंदर. अब next thing is about cards. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कार्ड्स, ये तो मेरा फेवरेट चीज है क्योंकि हमने बहुत खेले अपने कॉलेज टाइम में, ये कार्ड्स बहुत हम इसका यूज करते थे. चलिए कार्ड्स की बात करता हूं, कार्ड्स टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास 52, एक्सेप्ट दैट दो कार्ड जो एक्स्ट्रा होते हैं उसके अंदर, 52 कार्ड्स होते हैं जो यूज करते हैं हम, उसके अंदर से 26 रेड होंगे,
26 रेड होंगे और 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड होंगे 26 ब्लैक होंगे। और रेड के अंदर दो कैटेगरी होती है, रेड के अंदर दो कैटेगरी होती है, इसके अंदर हर्ट होता है। हाँ यहां आ जाती है सबको खुशी, नहीं भाई ये वो वाला हर्ट नहीं है जो तुम बात कर रहे हो, ये हर्ट हो जाती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमंड, एक होगा डायमंड। और ब्लैक के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, एक क्लब होता है और एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है और दूसरा स्पेड होता है, एक क्लब होता है और दूसरा स्पेड होता है। इतनी बात क्लियर है, एक क्लब और दूसरा स्पेड। अब कितने कार्ड होते हैं इसके अंदर भी, 13 हर्ट्स होते हैं, 13 हर्ट है और 13 डायमंड्स, 13 क्लब एंड 13 स्पेड। ऑल 13 ही हर्ट होंगे, 13 ही डायमंड होंगे, 13 ही क्लब होंगे, 13 ही स्पेड होंगे। इसके अंदर सबसे पहले इसको इक्का नहीं बोलते, इसको एस बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एस बोला जाता है, ठीक। फिर इसके बाद 2 से लेके 10 तक नंबर चलेंगे, फिर जैक आएगा, फिर जैक, फिर क्वीन, फिर क्वीन एंड देन इज किंग, फिर उसके बाद किंग आने वाला है, फिर हमारे पास कौन सा आएगा, किंग। और इन तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड्स, दीज थ्री कार्ड्स आर कॉल्ड फेस कार्ड्स, दीज थ्री कार्ड्स आर कॉल्ड फेस कार्ड्स, क्लियर है, इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है ये, कैसे हमने हर्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड की कैटेगरीज में डिवाइड करा इसको, ये तीनों फेस कार्ड्स हैं, ये एस हो गया, ऐसी सिमिलरली एस 2 से लेके 10 तक नंबर, जैक, क्वीन एंड किंग, फिर उसके बाद एस, इसके अंदर भी एस, और फिर हमारे पास 2, 10 जैक, क्वीन एंड किंग, 2 अप टू 10 जैक, क्वीन एंड किंग, ये हमारे पास 52 कार्ड्स पूरे हो गए, ये हमारे पास 52 कार्ड्स पूरे हो गए। आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे आपने इसके अंदर कार्ड्स के बारे में देखा होगा। सर मैथ्स के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है? हाँ, 11th में आप अगर एनसीईआरटी करके जा रहे हो तो क्लास 12 सीबीएसई आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, 12 सीबीएसई आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। जोकर वाला कार्ड इंक्लूड नहीं करना इसके अंदर, 52 कार्ड्स है हमारे पास, जोकर वाला कार्ड इंक्लूड नहीं करना। अभी बताया था 52 कार्ड्स के अलावा दो कार्ड्स होते हैं, वो आपने इंक्लूड नहीं करने क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होता। चलिए अब यहाँ से इधर आ जाओ फटाफट से। हाँ ये कार्ड्स वाला आता है ना तो मुझे भी थोड़ी सी हंसी आ जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत मजा आता है इसको खेलते हुए। चलिए ध्यान से सुनना, अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रैंडमली, देखिए मजा उसके अंदर बहुत आएगा, आपने लाइव चैट में एक्टिव रहना, जितनी जल्दी आंसर करोगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है इसके अंदर। टोटल फेस कार्ड्स कितने, टोटल फेस कार्ड्स होते हैं जल्दी से लाइव चैट में आके बता दो, टोटल फेस कार्ड्स कितने इसके, टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, अभी मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने वाले, जल्दी से आंसर करना है। टोटल फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स, वंशुल कंबोज 12 बोल रहा है, क्या 12 ही है, टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, 12, हाँ टोटल फेस कार्ड्स 12 है, 3 कहां से हो गए ये, अरे सारों के टोटल फेस कार्ड्स पूछ रहा हूं, 3, 3, 3 और 3, टोटल 12, टोटल 12 फेस कार्ड्स हो गए। फेस कार्ड्स ऑफ रेड कलर, नी आंसर इज फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड्स ऑफ रेड कलर, फटाफट से आंसर, फेस कार्ड्स ऑफ रेड कलर, रेड कलर के फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स ऑफ रेड कलर, अब आंसर करना आपने फेस कार्ड्स ऑफ रेड कलर, रेड कलर के फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 6, द आंसर इज 6, रेड कलर के फेस कार्ड्स, ये भी रेड है, ये भी रेड है, 3 और 3 6 फेस कार्ड्स होने वाले हैं, बहुत बढ़िया, फेस कार्ड्स ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड्स ऑफ रेड कलर। नाउ द आंसर इज एस, एस कितने हैं, एस कितने हैं इसके अंदर, जल्दी से लाइव चैट में आके बताओ एस कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ एस कितने एस हैं इसके अंदर, एस समझते हो ना, इक्का, कितने इक्के हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ एस 4, नंबर ऑफ एस इज 4, नंबर ऑफ एस इज 4, बढ़िया, नंबर ऑफ एस इज 4, नंबर ऑफ एसेस, नंबर ऑफ एसेस इज 4, 1, 2, 3, 4, 4 एसेस है, 4 एसेस है। एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एस ऑफ ब्लैक कलर, एस ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का एस, ब्लैक कलर का एस, नंबर ऑफ एसेस ऑफ ब्लैक कलर 2, the answer is 2, the answer is 2, number of aces of black color। अच्छा एक लास्ट, उसके बाद ये खत्म करते हैं कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स के बारे में आप समझ चुके हो, सभी आंसर कर रहे हैं 2, बहुत बढ़िया आंसर है सभी का, सभी को कार्ड्स के बारे में पता है, सारे समझ रहे हो ना सारे कार्ड्स खेलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ब्लैक हर्ट्स, काला दिल किसका है, कितने काले दिल है, मतलब नंबर ऑफ ब्लैक हर्ट्स, नंबर ऑफ ब्लैक हर्ट्स, ब्लैक हर्ट्स कितने हैं,
ब्लैक हर्ट्स कितने हैं? जीरो. ब्लैक हर्ट्स कितने हैं? जीरो. बढ़िया, ब्लैक हर्ट्स हैं जीरो. अरे कौन सा ब्लैक हर्ट है, काला दिल, अपनी बात नहीं बतानी तुमने. जीरो. नंबर ऑफ ब्लैक हर्ट्स, हर्ट तो कोई ब्लैक होता ही नहीं, सारे रेड है, सारी रेड है. अगर रेड ना हुआ, खून ना गया हर्ट में, तो काम करना बंद कर जाएगा, ये कार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जीरो. बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब इसी के अंदर सैंपल स्पेस बनाने सिखाता हूँ. ये कार्ड्स हो गए, डाई हो गए, सब कुछ हो गया, सबके सैंपल स्पेस बना लिए हमने. पहले 5-7 क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको, ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ कॉइन इज टोस्ट. अ कॉइन इज टोस्ट, आपने एक कॉइन को टोस्ट करा, एंड अ डाई इज रोल, एंड डाई इज रोल्ड इफ कॉइन शोज हेड. इफ कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन हेड शो करेगा, इसका सैंपल स्पेस बनाना है. इसका सैंपल स्पेस बनाना है. यू नीड टू फॉर्म द सैंपल स्पेस ऑफ दिस इवेंट. एक कॉइन को टॉस करा, एक कॉइन को टॉस करा, और उसके बाद डाई रोल करनी है. एक डाई को रोल करनी है, ध्यान से सुनना, एक डाई को रोल करना है तब जब हेड शो होगा. अच्छा, कॉइन को टॉस करा, कॉइन के बाद दो आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल. कॉइन के बाद दो आउटकम होते हैं, हेड और टेल. आपने डाई को तभी रोल करना है जब हेड शो होगा. हेड शो होने के बाद आपने डाई को रोल करना है. डाई के बाद आपके कितने आउटकम्स होते हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. टेल के बाद कुछ नहीं करना, टेल के बाद कुछ नहीं करना. अगर टेल आया तो आपने डाई को थ्रो नहीं करना, अगर टेल आया तो आपने डाई को थ्रो नहीं करना, ठीक. चलिए ध्यान से सुनना, अब इसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, इसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे. हेड के बाद 1 आ सकता है, हेड के बाद 2 आ सकता है, हेड के बाद 3 आ सकता है, हेड के बाद 4 आ सकता है, हेड के बाद 5 आ सकता है, हेड के बाद 6 आ सकता है, ठीक. H1, H2, H3, H4, H5, H6. या फिर टेल अकेला आ सकता है, या फिर टेल अकेला आ सकता है. तो इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे? 7. तो इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे? 7. 7 सैंपल स्पेस. बहुत बढ़िया आंसर. इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे? 7. इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे? 7. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अ डाई इज थ्रोन. ये इसको ट्री फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है. कई स्टूडेंट्स अभी बोल रहे थे भी इसका ट्री बनाना पड़ेगा, बना दिया ट्री, बस 1 मिनट का काम है. यहाँ हमारे यहाँ मैथ्स में ट्री 1 मिनट में बन जाता है. अ डाई इज थ्रोन वंस, एंड डाई इज थ्रोन वंस, एंड कॉइन इज टोस्ट वंस इफ, एंड अ कॉइन इज टोस्ट वंस, कॉइन को वंस एक बार थ्रो करेंगे इफ डाई शो, इफ डाई शो ऑड नंबर, इफ डाई शो ऑड नंबर, अगर डाई ऑड नंबर शो करेगा. एंड अ कॉइन इज टोस्ट ट्वाइस, एंड अ कॉइन इज टॉस्ट ट्वाइस, कॉइन को दो बार टॉस करूंगा इफ डाई शो इवन नंबर, इफ डाई शो इवन नंबर, इफ डाई शोज इवन नंबर. समझ रहे हो इस बात को, क्या चीज है इसके अंदर? आपने एक डाई को थ्रो करा, उसके अंदर कॉइन टॉस करना है एक बार अगर डाई के ऊपर ऑड नंबर आएगा, कॉइन टॉस करना है दो बार अगर डाई के ऊपर इवन नंबर आएगा, डाई के ऊपर इवन नंबर आएगा, ठीक है बात. चलिए सर कल फिजिक्स का एग्जाम है, एक बार आशीर्वाद दे दो भाई. ऑलवेज विद यू, आपके साथ ही हमेशा, आपके साथ ही खड़ा हूं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है. आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है. यस सर, इट्स सिंपल, आई नो इट इज सिंपल, बस आप सैंपल स्पेस बनाना सीख लो, फिर तो प्रॉबिलिटी बहुत आसान है. इवेंट्स मैं सिखा दूंगा आपको आज, इवेंट्स मैं सिखा दूंगा आपको आज, ठीक. चलिए ध्यान से सुनना इसके अंदर, अब इसका सैंपल स्पेस बनाना है, इसका सैंपल स्पेस बनाना है. आपने डाई को थ्रो करा, नाउ देर आर पॉसिबल 6 आउटकम्स. आप सभी को पता है डाई के बाद 6 आउटकम्स पॉसिबल है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. दीज आर द 6 आउटकम्स. ये 6 आउटकम्स है, ये 6 आउटकम्स है. प्रोबेबिलिटी कोई टफ नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है. क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, लेकिन उसको भी समझोगे तो बहुत आसान है, ये बहुत इजी है. ध्यान से सुनना, अ डाई थ्रोन वंस, एक बार डाई को थ्रो करा, अगर एक बार डाई को थ्रो करा, ये 6 आउटकम पॉसिबल है. साफ साफ मेंशन है अगर डाई ऑड नंबर शो कर रहा है. हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑड? 1, 3 एंड 5 आर ऑड. 1, 3 एंड 5 आर ऑड. 2, 4 एंड 6 आर इवन. 2, 4 एंड 6 आर इवन. ये 2 और ये 4 और ये 6, ये इवन नंबर है, ठीक. अगर ऑड नंबर आता है, डाई को एक कॉइन को एक बार टॉस करना है, और उसके बाद दो आउटकम पॉसिबल है, हेड और टेल. यहां भी कितने आउटकम पॉसिबल है? हेड और टेल. यहां भी कितने आउटकम पॉसिबल है? हेड और टेल. लेकिन अगर इवन नंबर आया, आपने डाई को दो बार थ्रो करना है, और अगर सॉरी कॉइन को दो बार थ्रो करना है, अगर कॉइन को दो बार थ्रो करना है तो 4 आउटकम्स है. HH, HT, TH, TD, ठीक.
HH HT TH TT, ये हमारे पास कितने हो गए, आउटकम्स बन गए। अब इसका सैंपल स्पेस बनाता हूं, सैंपल स्पेस बनाते हो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। वन के बाद या तो हेड आएगा या वन के बाद टेल आएगा, टू के बाद या एच एच आएगा या टू के बाद क्या आने वाला है हमारे पास, टू के बाद एच टी या टू के बाद टी एच या टू के बाद टी टी, ठीक। ऐसी थ्री के बाद एच, थ्री के बाद टी, थ्री के बाद एच आ सकता है, थ्री के बाद टी आ सकता है, फोर के बाद एच एच आ सकता है, फोर के बाद एच टी आ सकता है, फोर के बाद टी एच आ सकता है, फोर के बाद टी टी आ सकता है, ठीक। फाइव के बाद एच आ सकता है, फाइव के बाद टी आ सकता है, सिक्स के बाद एच एच आ सकता है, सिक्स के बाद एच टी आ सकता है, सिक्स के बाद टी एच आ सकता है, सिक्स के बाद टी टी आ सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस काउंट कर लेता हूं कितने, फोर फाइव सिक्स सेवन एट ट्वेल्व फोर्टीन एटीन, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 18, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 18, इसके टोटल सैंपल स्पेस कितने है 18। सर अब तो बड़े यूट्यूबर हो गए, चैट नहीं पढ़ते, चैट से ज्यादा ना सर कमेंट पढ़ते हैं, तो आप कमेंट करो जाके, वहां पे हर एक कमेंट पढ़ा जाता है, हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश की जाती है, लेकिन चैट पढ़ूंगा तो यहाँ पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो एक ही काम कर सकता हूँ, चैट पढ़ सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ। सो बुरा मत मानना करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करो, कमेंट जरूर पढ़ेंगे। बड़े यूट्यूबर बन के हमने कहाँ जाना है, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ही नहीं है तो हमारे पास यूट्यूबर बनने का कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट्स ने ही यूट्यूबर बनाया, स्टूडेंट्स ने ही टीचर बनाया, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। चलिए अब यहां से सैंपल स्पेस बनाने तो सीख लिए, ये सैंपल स्पेस बनाना सीख लिया, नोट कर लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर क्या दोगे सर, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते हमारे को, लो फिर फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और इसके बाद ध्यान से सुनना, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सैंपल स्पेस का, फिर इवेंट्स की तरफ चलता हूं, फिर इवेंट्स की तरफ एक सैंपल स्पेस बनाता हूं। अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, मतलब उनके एक ईच हैज इक्वली लाइकली टू बी, ईच हैज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और अ गर्ल, ठीक, बॉय भी हो सकती है और गर्ल भी हो सकते हैं। फाइंड द सैंपल स्पेस, ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, फाइंड दी सैंपल स्पेस, ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलने वाला है। चलिए सैंपल स्पेस बताइए, इसका सैंपल स्पेस जल्दी से, 150 लाइक्स इज ऑन द वे, 148 हो चुके हैं, फटाफट से यार एक बार लाइक भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना न्यू यूजर हो तो। इसके सैंपल स्पेस चार, ऋषभ कुमार बोल रहे हैं चार सैंपल स्पेस है, इज इट सो, क्या चार सैंपल स्पेस है या ज्यादा इसके अंदर, जल्दी से बताओ इसके अंदर कितने सैंपल स्पेस आएंगे। 20 से 25 मिनट में हमने सैंपल स्पेस बनाने सीख लिए, चार सैंपल स्पेस होंगे। आज पहली बार लग रहा है ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जी बीजी, हाँ ऐसे चलेगा इसमें। 150 लाइक्स डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए अब इसके सैंपल स्पेस, या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, या बॉय गर्ल हो सकते हैं, या पहले गर्ल फिर बॉय, या दोनों गर्ल्स। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आगे, फोर। इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आगे, फोर। बहुत सिंपल सी बात, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल, ठीक। ये हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गए, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसके अंदर सेकंड पार्ट आता है, फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स। कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है, या तो इसके अंदर चेक करो क्या कोई गर्ल है, नहीं, जीरो नंबर ऑफ गर्ल्स। इसके अंदर गर्ल्स कितनी है, वन। इसके अंदर गर्ल्स कितनी है, वन। और इसके अंदर गर्ल कितनी है हमारे पास, टू। इसके अंदर गर्ल्स कितनी है, टू। इसके अंदर वन गर्ल है, जीरो गर्ल्स, वन गर्ल एंड टू गर्ल्स, ठीक। चलिए थ्री, द टोटल पॉसिबल सैंपल स्पेस इज थ्री, जीरो वन एंड टू, दिस इज द सैंपल स्पेस। और इसके अंदर कितने सैंपल स्पेस होंगे हमारे पास, थ्री। द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज थ्री, तीन सैंपल स्पेस बनने वाले हैं, जीरो वन टू।
012. एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीटेड. इसके अंदर जितने भी सैंपल स्पेस है आप बना लीजिएगा. इन केस अगर आपको समझ नहीं आता, सो एनसीईआरटी के पीछे आपके आंसर्स लिखे हुए हैं और डायरेक्टली वही आंसर है आपके. कोशिश करना आप अपने आप बनाओ, उसके बाद आंसर चेक करो. बहुत आसानी से बनने वाले हैं अगर आपने ये सारे सैंपल स्पेस बनाने सीख लिए तो. बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी. अब चलूंगा इवेंट्स की तरफ. हाँ जी बता दो एक बार, सैंपल स्पेस बनाने में मजा आ गया? बता दिए सारे सैंपल स्पेस, क्या समझ आ गए सारे सैंपल स्पेस कैसे बने? लाइव चैट में बता दो फटाफट से एक बार. फिर इवेंट्स की तरफ चलता हूं, इवेंट्स बना के दिखाऊंगा. सर सीबीएसई में कितने मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आती है? 12th की बात करूं तो 8 से 10 नंबर की. क्लास 12th की बात करूं तो 8 नंबर की. यस सर, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अर्पिता का अभी थोड़ा टाइम पहले कमेंट आया था अभी इसी लाइव चैट के अंदर भी, मेरा कल एग्जाम है और आज आप प्रोबेबिलिटी करा रहे हो. थैंक यू सो मच. सो अर्पिता, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. कंसेप्ट क्लियर, बहुत बढ़िया बात है. अब इवेंट की तरफ, इवेंट्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इवेंट सीख लो. सारे फॉर्मूला बताने वाला हूं, कोई मर्जी क्वेश्चन उठा के कर लेना. एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो आप इसके अंदर उठा के कर लेना अगर आप इवेंट्स के सारे फॉर्मूला जानते हो. इवेंट्स के अंदर क्या, दी चांसेस ऑफ अकरिंग एन आउटकम, दी चांसेस ऑफ अकरिंग एन आउटकम, अगर एक आउटकम के कितने चांसेस हैं आने के, इज कॉल्ड एन इवेंट, उसे क्या बोला जाता है? इवेंट. चलिए फिर से एक क्वेश्चन बता देता हूं इसके अंदर, क्योंकि इवेंट का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं. ध्यान से सुनना. अ कॉइन इज टोस्ट या अ डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार थ्रो करा, सबको पता है 6 सैंपल स्पेस होंगे, 1 2 3 4 5 6. इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता क्योंकि एक बार थ्रो करा है, चलिए अ डाई थ्रोन वंस, 1 2 3 4 5 6 इज द पॉसिबल आउटकम, इज 1 2 3 4 5 6. इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 6. अब दो इवेंट बना रखे हैं, ई और एफ, ये आपको डिफाइन कर रखे होंगे. ई और एफ दो इवेंट है. अगर ई और एफ दो इवेंट है, ई के अंदर क्या दिया हुआ है? गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आना चाहिए और इसके अंदर आ सकता है गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, अगर आपका इवन प्राइम नंबर आ रहा है, पहले इवेंट बनाने सीखते हैं सारे के सारे इवेंट बनाने सीखेंगे. सारे इवेंट बनाने के बाद इवेंट्स के बारे में बताएंगे कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी की तरफ चलेंगे. ठीक, चलिए. गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर. अगर इवेंट की बात करूं, ई के अंदर कितने पॉसिबल आउटकम आने वाले हैं, जल्दी से. गेटिंग एन ऑड नंबर, इसके अंदर ऑड नंबर कौन कौन से हैं, थ्री ऑड नंबर्स. कौन कौन से ऑड नंबर है? 1, 3, and 5 आर दी ऑड नंबर्स. एफ कौन कौन सा है? एफ है गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, आपको पता है अपने नंबर पे डिविजिबल होता है. प्राइम नंबर आपको पता होगा भी, वो ऐसा नंबर जो अपने टेबल पे डिविजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. एंड ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, इसके अंदर दो, एक नंबर आएगा 2, इसके अंदर एक चीज आएगी 2. क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया. 2, 4, 6 नहीं है, इवन प्राइम नंबर, एक ही होता है. 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2, दी ओनली नंबर इज 2. ई और एफ बन गया हमारे पास. अब आपको क्या दिख रहा है? जो इवेंट के आउटकम्स आते हैं, जो इवेंट के हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, वो सैंपल स्पेस के अंदर से आते हैं. जो इवेंट के एलिमेंट्स आते हैं, वो सैंपल स्पेस के अंदर से आते हैं. तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना जरूरी है. जैसे ही आप सैंपल स्पेस बना दोगे, आपको इवेंट गिवन होगा, उसके एलिमेंट्स आप क्या करोगे? सैंपल स्पेस से उठा लोगे. इतनी बात क्लियर होगी. अब चलता हूं टाइप्स ऑफ इवेंट पे. देखिए ज्यादा कुछ इसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि टाइप्स ऑफ इवेंट में सारा कुछ कवर हो जाएगा. सबसे पहली बात हमारा श्योर इवेंट. ठीक, एक सिंपल सी बात है, अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 से ज्यादा हो जाते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इवेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन इवेंट ई इज कॉल्ड श्योर इवेंट. इसे क्या बोला जाएगा? श्योर इवेंट. अगर एक भी एलिमेंट
अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो हमारे पास क्या बन गया इसके अंदर, एक सिंगल एलिमेंट भी आ गया, सो इट इज अ श्योर इवेंट। वो कौन सा होगा हमारे पास, श्योर इवेंट। ठीक, चलिए अब इसके बाद इंपॉसिबल इवेंट, इसके बाद इंपॉसिबल इवेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इंपॉसिबल इवेंट अगर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इक्वल टू जीरो, अगर एक भी इवेंट नहीं आता, अगर एक भी एलिमेंट नहीं आता, देन इवेंट ई इज कॉल्ड इंपॉसिबल इवेंट, देन इवेंट ई इज कॉल्ड इंपॉसिबल इवेंट, उसे क्या बोला जाएगा, इंपॉसिबल इवेंट बोल देंगे। देन इवेंट ई इज कॉल्ड इंपॉसिबल इवेंट, उसे क्या बोल देंगे, इंपॉसिबल इवेंट बोल देंगे। इज इट क्लियर? अगर एक भी एलिमेंट आ गया, सिंगल एलिमेंट भी, तो वो श्योर इवेंट होगा। अगर एक भी एलिमेंट नहीं आता तो वो इंपॉसिबल इवेंट होगा, वो इंपॉसिबल इवेंट होगा। ब्लॉक सुपर कंडक्टर, यार कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा करो लाइव चैट में जो कर रहा है कोई कर लेने दो, आप उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मत हो ना, मुझे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करो, जो कर रहा है कर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जब आंसर्स पढ़ने, मैं आपको बता दूं अभी ब्लॉक्ड हो चुका है शायद, क्योंकि जो मेरी टेक्निकल टीम है उन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा, मतलब कुछ ऐसा ज्यादा मेंबर्स नहीं, एक दो मेंबर्स हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा। चलिए, हाँ जी बिल्कुल। अब श्योर इवेंट्स हो गए और इम्पॉसिबल इवेंट, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास क्या बनेगा उसके अंदर, एक भी एलिमेंट नहीं है तो क्या बनेगा हमारे पास उसके अंदर, वो एलिमेंट्स कौन से होंगे हमारे पास, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो श्योर इवेंट, इनमें से आपने मुझे बताना है कौन सा श्योर इवेंट है, कौन सा श्योर इवेंट है और कौन सा इंपॉसिबल है। अ डाइस थ्रोन वंस, देखिए मैं इसी का एग्जांपल लेने वाला हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, बहुत इजीली आप समझ जाओगे, इसलिए डाई का एग्जांपल लूंगा। इसके सैंपल स्पेस क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक बार डाई को थ्रो करो 1 2 3 4 5 6। इफ इवेंट ई इज गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 6, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल चाहिए, 6 का मल्टीपल चाहिए या 3 का मल्टीपल चाहिए, getting a multiple of 3 and f is number greater than 7, number greater than 7, 7 sorry number greater than 6, 6 से बड़ा number चाहिए, 6 से बड़ा number चाहिए। event की बात करता हूं, event कैसा event है, event कैसा event है, जल्दी से comment section में live chat में आके बताओ event कैसा event है, event कैसा event है, sure है या impossible, इन दोनों में से बताना आपने, event कैसा है, is a sure event, is a sure event, first sure है, second impossible है, first sure है, देखिए e की बात करूं, getting a multiple of 3, 3 का multiple कौन कौन से, 3 और 6, e के अंदर तो दो element आएंगे, 3 और 6, f के अंदर, getting a number greater than 6, 6 से बड़ा number कोई नहीं होता, खाली set आएगा, और you can write this as 5, और you can write this as 5, ठीक, अगर एक भी element आ गया, तो कौन सा event होगा, sure event, This is a sure event. ये आपका sure event है, और अगर खाली रहा तो कौन सा होगा, impossible event. तो कौन सा होगा, impossible event. ठीक, अब दूसरे event की बात करता हूं, third one. अब third event की बात करता हूं, ये भी बहुत आसान है, ये third event की बात करता हूं, ये कौन सा हमारे पास बहुत आसान है, ये sure event और impossible event के बारे में आपको पता चल गया। sure event कौन से होते हैं, sure कौन से होते हैं, अगर एक भी element आ रहा है तो वो sure होगा, अगर एक भी element ना आया तो वो impossible होगा, तो वो impossible होगा। फिर next event की बात करता हूं, third one, the number three is simple event, number three is simple event, simple event में क्या होता है, simple event में क्या होगा, number of elements in E is equal to 1, अगर एक ही एलिमेंट आ रहा है, इफ एन इन इवेंट, अगर इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिर्फ एक, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा हमारे पास, सिंपल इवेंट, देन ई इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, देन ई इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, उसे कौन सा इवेंट बोला जाएगा, सिंपल इवेंट। ठीक, अब फोर्थ वन, अब फोर्थ वन अगर इसके बाद बात करूं तो कौन सा आता है मेरे पास, कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड इवेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है, देन इवेंट इज कॉल्ड, देन ई इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट, उसे क्या बोला जाएगा, कंपाउंड इवेंट, देन ई इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट, उसे क्या बोला जाएगा, कंपाउंड इवेंट। चलिए, चार इवेंट होते हैं हमारे पास, याद रखना, श्योर इंपॉसिबल, श्योर इंपॉसिबल, इसके अंदर फिर आएगा सिंपल एंड कंपाउंड, फिर आएगा हमारे पास सिंपल और कंपाउंड। सिंपल इवेंट में एक एलिमेंट, कंपाउंड इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट, कंपाउंड इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट, इतनी बात क्लियर होगी। अब कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने फिर लिखता हूं, उसके अंदर बताना कौन सा सिंपल और कौन सा कंपाउंड इवेंट है, कौन सा सिंपल है और कौन सा कंपाउंड इवेंट है। चलिए इसके बाद,
नेक्स्ट फिर लिख रहा हूं अगेन वही सेम एग्जांपल, अ डाइस थ्रोन वंस, अ डाइस थ्रोन वंस, डाई को एक बार थ्रो करा, अ डाइस थ्रोन वंस इज, सॉरी आप इसका पहले सैंपल स्पेस बनाओ, इसके सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट है, इसके अंदर 6 एलिमेंट है, ई इज द इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर अभी बता चुका हूं, इवन प्राइम नंबर, और एफ कौन सा है हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 2, एफ इज मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल चाहिए हमारे को, मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, E के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और F के अंदर कौन से एलिमेंट है, या ये बता दो इसके अंदर से सिंपल कौन सा और कंपाउंड कौन सा है, सिंपल कौन सा और कंपाउंड कौन सा है, विच वन इज सिंपल एंड विच वन इज कंपाउंड। सर यू डिजर्व 1 trillion सब्सक्राइबर्स, पहले 100K करवा ले फिर उसके बाद चलते 50K करवा लेते हैं, अभी तो 25K शायद आज हो जाएंगे मेरे सब्सक्राइबर्स। इज सिंपल, इज सिंपल, सिंपल इवेंट, इज अ सिंपल इवेंट, एफ इज कंपाउंड, कैसे पता चला, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है तो क्या आना चाहिए, एक एलिमेंट आना चाहिए और एक ही एलिमेंट है इसके अंदर 2, तो अगर एक एलिमेंट आ रहा है तो कौन सा इवेंट है, सिंपल इवेंट, दिस इज अ सिंपल इवेंट, ये एक सिंपल इवेंट है। और अगर बात कर रहा हूं मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल कौन सा है, 2 4 6, इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 4 6, एक से ज्यादा एलिमेंट आ गया, एक से ज्यादा एलिमेंट आया तो कौन सा होगा, कंपाउंड इवेंट, ये कौन सा इवेंट बनने वाला है, कंपाउंड इवेंट, इतनी बात क्लियर होगी, दिस इज अ कंपाउंड इवेंट, ये कंपाउंड इवेंट बनने वाला है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ 25K सब्सक्राइबर्स कर दो फिर जल्दी से 25K, चलिए फटाफट से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, फिर उसके बाद फॉर्मुलाज, फिर उसके बाद आपके चॉइस के जो क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है डिफिकल्ट है वो आपको कराने वाला हूं। पहले क्या कराऊंगा इसके अंदर, सबसे पहले एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, फिर उसके कुछ फॉर्मुलाज, फिर फॉर्मुलाज कराने के बाद क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा, और वो क्वेश्चंस जो मुझे लगता है भी आप स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ ट्वेल्थ के लिए भी लाइव ही करवाएंगे, मैं वीडियो अपलोड करने में वैसे ही मेरे से बहुत टाइम लगता है, वीडियो अपलोड करना, पहले शूट करना, फिर उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना, इट टेक्स लोट ऑफ टाइम, और इतना टाइम मेरे पास नहीं है। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं पढ़ाया, वो एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में आएगा ना, दैट इज एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, वो एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में आते हैं, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में आते हैं। चलिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं ध्यान से सुनना। अब क्या बोल रहा हूं यार, मैं ना एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं हमेशा की तरफ, या अब दूसरा एग्जांपल चेंज कर देता हूं, अ कॉइन इज टोस्ट ट्वाइस, अ कॉइन इज टोस्ट ट्वाइस, क्योंकि ज्यादातर यही होते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस में। अगर कॉइन को दो बार टॉस करा तो 4 आउटकम होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब इसी एग्जांपल के बेसिस पे ना सारा एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, पूरा का पूरा, हर एक पार्ट इसका, इसके बेसिस पे, इस एग्जांपल के बेसिस पे एक्सप्लेन करने वाला हूं, इन केस मैं ये रब कर दूं, लेकिन आपको एग्जांपल याद रहना चाहिए, आपको एग्जांपल याद रहना चाहिए। सर ट्वेल्थ के लिए कोई बैच है क्या, बहुत जल्दी शुरू करने वाले, ट्वेल्थ का नवा बैच शुरू करने वाले, जो 11 से 12th मूविंग वाले के लिए, उनके लिए ट्वेल्थ का बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। चलिए ध्यान से सुनना, इसके बाद एच 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 टी टी एच एंड टी टी, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, पहले आप इवेंट बनाओगे, इवेंट में आपको क्या दे रखे, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, आपको एक हेड चाहिए, सिर्फ एक हेड, दो नहीं होने चाहिए उसके अंदर, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, अगर एक हेड की बात करो उसके अंदर एक हेड है, इसके अंदर एक हेड है, एच टी एंड टी एच, एच टी एंड टी एच, इतनी बात क्लियर होगी, एच एच एंड टी एच, सॉरी एच टी एंड टी एच, एच टी एंड टी एच, एक हेड चाहिए हमारे को। अब मुझे क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई की बात कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई की बात क्या करूंगा, मुझे ई के अलावा सारे एलिमेंट चाहिए, इसको मैं ई डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, ई डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, मतलब ई के अलावा सारे एलिमेंट चाहिए, ई के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे चाहिए, ई के अलावा जितने भी एलिमेंट है सारे चाहिए, मतलब जितने एलिमेंट्स ई में पड़े हुए हैं
सैंपल स्पेस में से वो एलिमेंट हटा दो। अब ई डैश की बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। मतलब सैंपल स्पेस में से ई वाले एलिमेंट हटा दूंगा, आई विल गेट एलिमेंट्स इन ई डैश, आई विल गेट एलिमेंट्स इन ई डैश दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सॉरी दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। द आंसर विल बी, ये दोनों तो मैंने ई के अंदर लिए, द आंसर क्या आएगा, एच एच एन एच टी टी, एच एच एन टी टी। आई होप दिस फर्स्ट वन इज क्लियर टू यू, फर्स्ट वन इज क्लियर टू यू। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बन गया हमारे पास एच एच एन एच टी, सॉरी एच एच एन टी टी, एच एच एन टी टी, क्लियर। चलिए अब दूसरे की तरफ चलता हूं, अब दूसरे की तरफ चलता हूं, दूसरा इसके अंदर क्या आएगा, ए और बी, ए और बी। आपने सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा पहला चैप्टर, उसके अंदर आपको ये बताया गया था अगर ए और बी आता है या फिर एटलीस्ट ए और बी आ जाता है, एटलीस्ट ए और बी आ जाता है, उस केस में आप क्या करते हो, ए यूनियन बी करते हो, उस केस में आप क्या करते हो, ए यूनियन बी करते हो, दोनों को कंबाइन करते हो। यूनियन करने का मतलब क्या होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। यूनियन करने का मतलब क्या होगा, आप इसके अंदर दो एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे, इसके अंदर दो एलिमेंट्स को क्या करोगे, कंबाइन करोगे, दो इवेंट्स को कंबाइन करोगे। या मैं इसको क्या लिख रहा हूं, ई और एफ लिख रहा हूं, ई और एफ लिख रहा हूं, आप इसको और आ गया तो आप क्या यूज करोगे, यूनियन यूज करोगे। ध्यान से सुनना, कहीं भी आपके पास और वर्ड आ जाता है, ए और बी, हिंदी और इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस, एनसीसी और एनएसएस, और आ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर और आ रहा है तो आप यूनियन यूज करोगे, और के लिए यूनियन, यूनियन के अंदर करते हैं कंबाइन, यूनियन के अंदर करते हैं कंबाइन। तो आप ध्यान से सुनना इसके अंदर क्या बोल रहा हूं, इवेंट आपको दे रखे गेटिंग, सॉरी गेटिंग टू हेड्स, गेटिंग टू हेड्स इवेंट दे रखे, सैंपल स्पेस आपका यही है, यही सैंपल स्पेस के ऊपर सारे इवेंट डिफाइन करूंगा, गेटिंग टू हेड्स, और एफ इज गेटिंग वन हेड, गेटिंग वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, सॉरी गेटिंग वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए उसके अंदर, समझ रहे हो इस बात को, ध्यान से सुनना, गेटिंग इन टू हेड्स एंड गेटिंग इन वन हेड। अगर इवेंट की बात करूं, इवेंट की बात करूं, दो हेड होने चाहिए, इवेंट की बात करूं दो हेड होने चाहिए, दो हेड किसके अंदर है, एच एच के अंदर, दो हेड किसके अंदर है, एच एच के अंदर, और किसी के अंदर नहीं है। एफ की बात करूं, गेटिंग वन हेड, वन हेड किसके अंदर है, एच टी के अंदर और टी एच के अंदर, यहां पे एच टी भी आएगा और टी एच भी आएगा, एच टी भी आएगा और टी एच भी आएगा, एच टी भी आएगा और टी एच भी आएगा, ठीक, एच टी एंड टी एच, ई बन गया एफ बन गया, E और F बन गए, आई नीड टू कंबाइन, मुझे इनके अंदर इसका यूनियन निकालना है, E यूनियन F फाइंड करना है, आई नीड टू फाइंड E यूनियन F, मुझे इसका E यूनियन F फाइंड करना है, इसका E यूनियन F फाइंड करना है, E यूनियन F कैसे फाइंड करूंगा, दोनों को कंबाइन कर देता हूं, दोनों को कंबाइन कर देता हूं, दिस विल बिकम एच 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 टी एंड टी एच, एच 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 टी एंड टी एच, एच 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 टी एंड टी एच, ये E यूनियन F बन गया, ये E यूनियन F बन गया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। और एक चीज याद रखोगे, नो टू एलिमेंट्स इन अ सेट कैन रिपीट, अगर आपका कहीं भी रिपीट हो रहा एलिमेंट्स, आप उसको सेट के अंदर रिपीट नहीं करोगे। एच 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 टी एन टी एच, एच 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 टी एन टी एच, ठीक, ये E यूनियन F बन गया। अब अगले इवेंट की तरफ चलता हूं, अगले इवेंट की तरफ चलता हूं, अगला एलजेब्रा ऑफ इवेंट, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, उसको हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स लेने आपने, फिर हमारा यूनियन करना आया, यूनियन मतलब कंबाइन करना आया, इसको हमें यूनियन करना है मतलब कंबाइन करना है। फिर थर्ड आएगा हमारे पास, थर्ड वन इज ई एंड एफ, ई एंड एफ, या फिर कहीं वर्ड आ जाए बोथ ई एंड एफ, बोथ ई एंड एफ, ठीक। अब आपको देखते ही पता चलेगा आपके एग्जाम में या आपके क्वेश्चंस में, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आएगा, यू हैव टू ऑप्ट हिंदी एज वेल एज मैथमेटिक्स, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश, एनसीसी एंड एनएसएस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। अगर एंड आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर इंटरसेक्शन, एंड आ रहा है तो क्या करना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन उठाना है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स उठाने हैं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स उठाने हैं, क्लियर। चलिए अब इवेंट बना रहा हूं, इवेंट बना रहा हूं, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ये एटलीस्ट का मतलब समझ लेना, थोड़ी सी इंग्लिश स्ट्रांग कर लो, शायद मेरे से अच्छी इंग्लिश आपकी होगी, आपको पता चला होगा एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है। फिर एफ इवेंट बना रहा हूं, गेटिंग एटलीस्ट, गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन हेड एंड एटलीस्ट वन टेल,
चलिए, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, जल्दी से इवेंट बनाओ और कॉमन बताओ इसके अंदर, इवेंट बनाओ और कॉमन बताओ। इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन हो चुका है, यूनियन हो चुका है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन हो चुका है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। टी एच एन टी एच टी एन टी एच एच टी एच टी टी एच ओके चलिए देखते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स देखिएगा इसके अंदर क्या बोल रहा हूं। ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एक हेड आना चाहिए कम से कम, कम से कम एक हेड आना चाहिए। देखिए कम से कम एक हेड का मतलब है एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एच 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 टी एन टी एच, एच 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 टी एन टी एच। F के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, एक दो तीन, या तो एच टी होगा या टी एच होगा या टी टी होगा या टी टी होगा, एक से ज्यादा टेल भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा टेल भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा टेल भी हो सकते हैं। कॉनिक सेक्शन इज ऑलरेडी डन, कॉनिक सेक्शन हमारा हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो आप। चलिए यहां से E और F इवेंट बन गए, अगर E और F इवेंट बन गए हमें क्या करना है, इनका कॉमन निकालना है, E इंटरसेक्शन F करना है। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो दोनों में है, HT and TH, HT and TH are the common elements, HT and TH are the common elements, E intersection F will be HT and TH, ठीक, ये कॉमन एलिमेंट्स आ गए, ये कॉमन एलिमेंट्स आ गए। चलिए ये कॉमन एलिमेंट्स आगे, नाउ द नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है, आपने ध्यान से सुनना इसको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th एज फॉर एज वेल एज फॉर क्लास 11th, क्लास 11th के लिए भी बहुत आसान है। चलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अब बात कर रहा हूं, टू इवेंट्स आर सेट टू बी, आर सेट टू बी, ये कैसे हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ, इफ अगर उनका कॉमन जीरो है, अगर उसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, अगर उसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इफ ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फाइव, इफ ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फाइव, इफ ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फाइव, क्लियर। चलिए टू इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब पता चल गया ना, कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन का मतलब पता चल गया कॉमन निकालना है, अगर उनके अंदर कोई कॉमन नहीं होता तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक। चलिए इसके बाद म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, अगर बात करता हूं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट की, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, नेक्स्ट इवेंट कौन से हमारे पास, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर मैं इफ सॉरी टू इवेंट्स, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टू इवेंट्स, टू इवेंट्स ई एंड एफ, टू इवेंट्स ई एंड एफ आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे इफ अगर मैं इसको कंबाइन करूं और पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, और पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, तो ये इवेंट कौन से होंगे हमारे पास, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ध्यान से सुनना, टू इवेंट्स ई एंड एफ आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे इफ ई यूनियन एफ, मतलब दो इवेंट्स को अगर कंबाइन कर, कंबाइन करने के बाद पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है, अगर कॉमन ना आया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और कंबाइन करके अगर सैंपल स्पेस आ जाता है, कंबाइन करके सैंपल स्पेस आ जाता है, तो हमारे पास क्या बनेगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बनेंगे। सो ये बातें क्लियर है, एक बार कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको कुछ, उसके अंदर आपको बताना है कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, कौन से म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। क्या ये क्लियर हो गया, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के सारे फॉर्मुलाज हो गए हमारे पास, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के सारे फॉर्मुलाज हो गए। जल्दी से बताओ एक बार, क्या ये पॉइंट्स क्लियर है आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, जल्दी से एक बार लाइव चैट में आके बता दो। चलिए फिर एक एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उसके अंदर आपने कुछ एक क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर आपने आंसर बताना है। अ कॉइन इज टोस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टोस्ड ट्वाइस, तो इसका सैंपल स्पेस भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एच 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 टी टी एच एंड टी टी,
TH एंड TT कुछ इवेंट लिख रहा हूं, इवेंट क्या हमारे पास, इवेंट क्या हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही आंसर करना है आपने। गेटिंग टू टेल्स, गेटिंग टू टेल्स इसको दो टेल वाला इवेंट है, और एफ क्या हमारे पास, गेटिंग टू हेड्स, गेटिंग टू हेड्स इज ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इज ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इज ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, लाइव चैट में आंसर बताओ। स्टेट लाइन भी हो चुका है लाइव, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके देखो, स्टेट लाइन हो चुका है। क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक मिनट रुको यार, एक मिनट वेट कर लो सिर्फ थोड़ा सा। चलिए यस, वो एक स्टूडेंट बहुत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लाइव चैट में बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो हमारे को डिस्टर्ब करने आएंगे, डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे, बट आपने नहीं होना, बट आपने नहीं होना। चलिए सो आंसर इज यस, दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ध्यान से सुनना। ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ई क्या चीजें रखिए, गेटिंग टू टेल्स, दो टेल आने चाहिए, टी और टी, और एच कौन सा हमारे पास, एच इज गेटिंग टू हेड्स, गेटिंग टू हेड्स, और सॉरी एफ इवेंट्स कौन सा, गेटिंग टू हेड्स, और टू हेड्स कौन कौन से हमारे पास, एच और एच। ठीक, अगर मैं इनके अंदर से कॉमन निकालना चाहता हूं, अगर इसके अंदर से कॉमन निकालना चाहता हूं, कॉमन मैंने क्या करा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फाइव आ गया, अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फाइव आ गया, एलिमेंट इसके अंदर कितने एलिमेंट कॉमन आए, फाइव, फाइव एलिमेंट कॉमन आए, देयरफॉर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके अंदर कौन से एलिमेंट बन गए हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन गए। ठीक, चलिए अब प्रोबेबिलिटी का मतलब समझाता हूं, इवेंट्स बनाने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है, इवेंट्स बनाने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। क्या ये सारे इवेंट्स क्लियर हो गए आपको, कौन कौन से इवेंट बताए, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, उसके बाद पॉसिबल श्योर इवेंट, पॉसिबल इंपॉसिबल इवेंट, फिर नेक्स्ट आए हमारे पास एल्जेब्रा में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, छह, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चलता हूं प्रोबेबिलिटी की तरफ, आपकी सेकेंड एक्सरसाइज भी इससे कंप्लीट होने वाली है, सेकेंड एक्सरसाइज भी इससे कंप्लीट होने वाली है, इनकेस अगर कुछ रह जाएगा तो अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस करने वाला हूं जो फॉर्मुलाज रह जाएंगे, अगर कोई इवेंट रह गया तो उसको भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, सारे पॉइंट्स तो कवर होने वाले हैं लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे डिपेंड्स ऑन यू, आप आराम से वीडियो को देखो, लाइव चैट में थोड़ा सा जो ये क्रिएट करते हो बहुत सारा कुछ बोलते, बाहर से स्टूडेंट्स आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, बाहर से स्टूडेंट्स आएंगे वो हमारे को डीमोटिवेट करेंगे, वो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बट आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ यहां बोर्ड पे ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं भी पढ़ रहा हूं उनकी चैट, मुझे भी दिख रही है, लेकिन आई एम जस्ट इग्नोरिंग, इग्नोर करने का जितना मजा है ना उतना उनको जवाब देने का मजा नहीं है, इग्नोरर, सबको इग्नोर कर दो, ठीक, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो सिर्फ। सर फिजिक्स में से ज्यादा तो मैथ्स में डर लग रहा है, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, सारे चैप्टर करो, सब कुछ होने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, अच्छा फिर बता रहा हूँ और ये बता दूं, जो ये ऐसे कमेंट करने वाले हैं ना, ये मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट, जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेरे कॉन्टेक्ट में, आपको बता रहा हूँ, जो मेरे कॉन्टेक्ट में, जो मुझे जानते हैं, समझ रहे हो ना किस लिए बोल रहा हूँ, जो बाहर से स्टूडेंट है जो मेरे साथ जुड़े हुए कभी ऐसा नहीं करेंगे, जो मेरे कॉन्टेक्ट में मतलब जो मेरे आस पास रहते हैं स्टूडेंट्स हैं, या कोई और है, या कोई और करवा रहा है, ये कमेंट करने वाले वो है, ठीक है, तो बस आप इनको इग्नोर करो, मैं हमेशा इनको इग्नोर करके चलता हूँ, तो आप भी इग्नोर करके चलो। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमेशा इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलती है, हमेशा इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलती है, हमेशा इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलती है, वो कैसे निकलती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उस इवेंट के अंदर कितने आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस,
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और ध्यान रखना कभी भी प्रॉबिलिटी वन से बड़ी नहीं होगी और जीरो से छोटी नहीं होगी। प्रॉबिलिटी इज ऑलवेज इन बिटवीन जीरो एंड वन, प्रॉबिलिटी इज ऑलवेज इन बिटवीन जीरो एंड वन। ऐसा तो कोई नहीं है ना इवेंट के अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स आ जाएंगे या इवेंट के अंदर सैंपल स्पेस से भी ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉबिलिटी जीरो और वन के बीच में आएंगी, प्रॉबिलिटी जीरो और वन के बीच में आएगी। मतलब जीरो से छोटी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। वन से बड़ी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी सैंपल स्पेस से बड़े नहीं हो सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी सैंपल स्पेस से बड़े नहीं हो सकते। अब इफ W1, W2 अप टू WN विद द n इवेंट्स फ्रॉम सैंपल स्पेस, एक सैंपल स्पेस से ये n इवेंट्स बना लिए, ये n इवेंट्स बना लिए। आपको बता दूं इन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम मिला के, इन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम मिला के हमेशा 1 के बराबर आएगा, हमेशा 1 के बराबर आएगा, हमेशा 1 के बराबर आएगा। जितने भी इवेंट्स दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं, 15 दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, जितने भी इवेंट्स पॉसिबल है सभी बना लिए, सभी के जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम आएगा वो 1 के बराबर आएगा। सभी जो इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। सपोज ये कुछ एक इवेंट है जिसके अंदर हमारे को 5 इवेंट्स बना रखे हैं एक सैंपल स्पेस से, और उनकी प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है। पहले की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5। नेक्स्ट पार्ट इज 2/5, -1/5, 1/5, 2/5, 1/5। ठीक, सेकेंड पार्ट ये हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या बोलता है, अब इसके थर्ड पार्ट में क्या था, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, 0.1, 0.3, 0.4, 0.1। फिर उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट भी 10/15, 15/14, 1/14, 1/14, 3/14, 3/14। फिर उसके बाद फिफ्थ पार्ट इसका, इसका फिफ्थ पार्ट, चलिए ये चार पार्ट ही बताइए, इन चार पार्ट में, इन चार पार्ट में ध्यान से सुनना सर, व्हाट इफ ऑल आर जीरो, नॉट दे आर, हमेशा इनका सम वन के बराबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए। ठीक, चलिए फटाफट से एक बार लाइव चैट में बता दो इनमें से कौन सा आउटकम्स पॉसिबल है, कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4 आउट ऑफ दीज फोर्स विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल, विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल, सेकेंड एंड फोर्थ नॉट पॉसिबल, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज नॉट पॉसिबल, विच, हाँ एक आंसर आ रहा है, फर्स्ट इज पॉसिबल। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपने चेक करना है प्रॉबिलिटी जीरो और वन के बीच में होनी चाहिए, और सभी को मिला के प्रॉबिलिटी का सम वन के बराबर आना चाहिए। 1, 2, 3 पॉसिबल, 1, 2, 3 पॉसिबल, सेकेंड इज नॉट पॉसिबल, सेकेंड इज नॉट पॉसिबल। देखिए अब यहां पे सारी प्रॉबिलिटीज जीरो और वन के बीच में है, और इनका सम 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5 टाइम्स क्या देगा, 1। सो दिस इज पॉसिबल, सो दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। अब यहां तो देखते ही पता चल गया प्रोबेबिलिटी नेगेटिव, इफ प्रोबेबिलिटी इज नेगेटिव दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इसकी बात करूं, ये सारी प्रोबेबिलिटीज 1 से छोटी है और पॉजिटिव है, 0.1, 0.1, 0.5, 0.3, 5 हो गया, 0.91, दिस इज पॉसिबल। ये इनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में भी, और सारों को ऐड करके, सारों को ऐड करके, सारों को ऐड करके किसके बराबर आ रहा है, 1 के। नाउ अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, यहां 15/14 आ रहा है, 15/14 मतलब 1 से बड़ा, 15/14 मतलब 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करो, 15/14 इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, और अगर 1 से बड़ा है सो दिस इवेंट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये इवेंट्स भी पॉसिबल नहीं है, दीज इवेंट्स आर नॉट पॉसिबल। तो इतनी बातें क्लियर होगी,
क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? प्रोबेबिलिटी के बारे में दो बातें पता चलगी ना, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आएगी और सारों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 के बराबर होगी। जितने भी इवेंट्स पॉसिबल है सारों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 के बराबर। 16.3 में ये आपको पहला क्वेश्चन मिलने वाला है, ये पहला क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक होगी ये बात? फटाफट से लाइव चैट में बता दो क्या ये पॉइंट्स क्लियर है, कैसे प्रोबेबिलिटी बनाई गई इसके अंदर, कैसे प्रोबेबिलिटी बनाई गई। अब इसके बाद एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूं। ये दो फॉर्मुलेस तो बता दिए, दो पॉइंट्स तो आपको बता दिए प्रोबेबिलिटी के बारे में, दो पॉइंट्स बता दिए आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में। चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट किसकी तरफ होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब फॉर्मुलास की तरफ चलने वाला हूं, ये सारे फॉर्मुलाज आपको याद होने चाहिए प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। नॉट ए मींस ना होना, उसका ना होना मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका ना होना मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश, ये किसके बराबर होगा, वन के। देखिए देयर आर ओनली टू पॉसिबल थिंग्स, या दो ही पॉसिबल चीजें, या तो इवेंट होगा या नहीं होगा, या तो इवेंट होगा या नहीं होगा, ध्यान से सुनना, या तो इवेंट होगा या नहीं होगा, दोनों को मिला के प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, वन के। क्योंकि बता दिया जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं सबको मिला के वन के बराबर आना चाहिए, सबको मिला के वन के बराबर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू वन, probability of a plus probability of not a is equal to 1. एक NCERT का question है इसके basis पे, that if probability of a is equal to 2/11, probability of a is equal to 2/11, find probability of not a. बहुत difficult question है वैसे तो, मैंने पूछ लिया है ना, बहुत ही ज्यादा difficult है। सीधा formula भी लिख दिया, question लिख दिया उसके बारे में, फिर आपसे पूछ रहा हूँ question का answer बताओ। If probability of a is equal to 2/11, find the probability of not a. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू वन। तो यहां से ए की प्रोबेबिलिटी 2/11 है, ए की प्रोबेबिलिटी 2/11 है, नॉट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उधर जाके क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा इसको। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए विल बिकम इक्वल टू 9/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए विल बिकम इक्वल टू 9/11, यहां से 9/11 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। Probability of not A will become equal to 9/11. ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। Probability of not A is equal to 9/11. 9/11 is the probability of not A. फिर ये थर्ड फार्मूला, आई होप आपने क्वेश्चन तो समझ लिया होगा, यहां से इतने टाइम में नोट भी कर लिया होगा। तीसरा फार्मूला रब करने वाला हूँ, तीसरा फार्मूला रब करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अब फोर्थ, तीसरा नहीं वैसे पहला ही फार्मूला था, दिस इज फार्मूला नंबर वन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू वन। सेकंड इसके अंदर अब मुझे क्या निकालना है, एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला आपने सेट्स में पढ़ा हुआ है, ये आपने वेन डायग्राम से फॉर्मूला प्रूफ किया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं। वेन डायग्राम से इसका प्रूफ किया हुआ है सेट्स के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, आपके 50% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। यूनियन का मतलब क्या करना है, कंबाइन करना है, इसे हम यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब इसके अंदर आपने कॉम्बिनेशन करना है, कंबाइन करना है दो एलिमेंट्स को, दो इवेंट्स को। और कहीं भी वर्ड आ जाए और एटलीस्ट, या तो और वर्ड आ जाए या एटलीस्ट वर्ड आ जाए, आपको बिना देखे यूनियन कर दो, अगर इंटरसेक्शन की बात करता हूं, इंटरसेक्शन का मतलब मुझे इसके अंदर से कॉमन निकालना है, और कॉमन कब निकाल लोगे, जब एंड और बोथ लिखा होगा। कहीं भी वर्ड्स यूज करता हूं एंड और बोथ, तब जाके उसके अंदर कॉमन निकालना है, इतनी बात क्लियर होगी। एंड और बोथ आ गया, कॉमन, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन करना, और ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला इज अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। ए तो होना चाहिए, बस उसके अंदर बी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी सी चीज है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसमें समझ आने वाली बातें क्या है वो आपको सेट्स में पता चलती हैं, जब आप वेन डायग्राम से इस फॉर्मूला का प्रूव करते हो, क्योंकि सेट के अंदर भी ये फॉर्मूला आता है। ठीक,
A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Intersection में आप common निकालते हो, union में आप combine करते हो, ये words का ध्यान रखोगे, ये words का ध्यान रखोगे, कहीं भी and word use कर लूँगा, A and B, both A and B, so you used intersection, वहाँ पे intersection use करोगे, और अगर कहीं पे combine आ जाए, तो मतलब और आ जाए, या A और B आ जाए, at least A और B आ जाए, तो वहाँ पे आप union करोगे, मतलब combination करोगे, ठीक, चलिए A but not B, इसका मतलब क्या होता है, A तो होना चाहिए बट उसके अंदर B नहीं होना चाहिए, बस उसके अंदर B नहीं होना चाहिए, सो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, A की प्रोबेबिलिटी में से A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हटा दोगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बट नॉट B, A होगा लेकिन B नहीं होगा, A माइनस बी, तो कैसे निकलेगा, A के अंदर से A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बट नॉट F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बट नॉट F, उसके अंदर E तो होगा, E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेकिन F नहीं होना चाहिए, E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेकिन F नहीं होना चाहिए, इसका आंसर बता दो फटाफट से लाइव चैट में, फटाफट से लाइव चैट में इसका आंसर बता दो, E की प्रोबेबिलिटी, सॉरी E की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए बट उसके अंदर F नहीं होना चाहिए, E बट नॉट F, probability of E but not F, E तो होगा लेकिन F नहीं होगा उसके अंदर, but not F, जल्दी से लाइव चैट में बताओ, probability of E but not F, E minus F, बहुत बड़ी आंसर, probability of E minus F, E तो होना चाहिए लेकिन F नहीं होना चाहिए, तो कैसे फाइंड करूंगा, E की प्रोबेबिलिटी में से E इंटरसेक्शन F को माइनस कर दूंगा, जो उनके अंदर से कॉमन एलिमेंट्स उनको हटा दूंगा, बहुत बड़ी आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, मनव सिंह का आंसर बहुत अच्छा, E कॉमन F, E इंटरसेक्शन F, बड़ी आंसर, बहुत अच्छा आंसर, तो ऐसी अगर बात करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बट नॉट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बट नॉट E, A तो होगा बट C नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बट नॉट C, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस C, सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C, ठीक, ये हो गए हमारे पास दो फॉर्मूलाज, तीन फॉर्मूला, सॉरी वन टू एंड थ्री, ए बट नॉट ए, सॉरी ए प्लस नॉट ए इज इक्वल टू वन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए बट नॉट बी, ए में से दोनों का कॉमन माइनस कर दो, ई बट नॉट एफ, ई में से ई और एफ का कॉमन माइनस, ए बट नॉट सी, ए में से ए और सी का कॉमन माइनस, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला को नाम दिया गया एक मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, देखिए इन फॉर्मूला के बेसिस पे ना कोई क्वेश्चन, एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर, अब ये दो फॉर्मूलाज बचे हैं, उन दो फॉर्मूलाज के बाद आपके सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं दो फॉर्मूलाज और सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे, रैंडमली दो क्वेश्चन उठाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे करने हैं उसके अंदर, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चलिए इसके अंदर क्या बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए या ए डैश इंटरसेक्शन, इसको नाम दिया जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ इसको नाम दिया जाता है, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, अच्छा एक बात और सुनोगे, एक बात और सुनोगे, कहीं पेपर में आपको लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट नॉट एफ, ई बट नॉट एफ, अगर ये लिख के देते हैं, अगर कहीं ये लिख देते हैं, कई बार ये मेंशन कर देते हैं ई बट नॉट एफ, उसको ये भी लिख देते हैं ई बट नॉट एफ, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो इसको कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए बात एक ही है, इसको मैं मैथमेटिक्स में ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट नॉट एफ, सो दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, ठीक, ये बातें क्लियर होगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, अब इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन बी डैश बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलने वाले हैं आपको, इंटर ए सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलने वाली है, आई विल फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स क्या बोलते हैं, अगर दोनों के ऊपर अलग अलग डैश है, इसके ऊपर होल डैश करना आपने, इसके ऊपर होल डैश करना है, सो दिस इंटरसेक्शन विल चेंज इनटू यूनियन, इंटरसेक्शन विल चेंज इनटू यूनियन, देखिए एक छोटा सा तरीका है इसको याद रखने का, ए डैश नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, अगर इसके ऊपर अलग अलग डैश था, पूरे के ऊपर होल डैश लेके आना है, सो यू नीड टू चेंज इंटरसेक्शन इनटू यूनियन,
इंटरसेक्शन से यूनियन में चेंज करना है, ठीक। और अगर इंटरसेक्शन हटाना है, अगर यहां से डैश हटाना है, इसको वन में से माइनस कर दो। आप सभी को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी वन के बराबर है। सो दिस विल बी इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, दिस इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक। इसका दूसरा पार्ट, अब दूसरा पार्ट आएगा, उस दूसरे पार्ट में क्या बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक। अलग अलग डैश है लेकिन बीच में यूनियन पड़ा हुआ है, अलग अलग डैश है बीच में यूनियन पड़ा हुआ है, अगर यूनियन से मुझे होल डैश की फॉर्म में लेके आना है, होल डैश की फॉर्म में लेके आना है, तो ये यूनियन किसमें चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में। ये यूनियन किसमें चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। सो दिस विल बी इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 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 क्लियर है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कट है क्या, देखो मैं आपको बता दूं, अगर ये कट भी है ना सीबीएसई से तो इसको पढ़ लो, लेकिन ट्वेल्थ में बहुत हेल्प करने वाला है, बिना इसके ट्वेल्थ की प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे। ये बेसिक फॉर्मूला है ट्वेल्थ के, कट हो गया होगा मैं चेक करके आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके बिना क्या फायदा आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने का। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो ये फॉर्मूलास पढ़ के दो चार क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लो, दो चार क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लो। सो दीज आर दी फॉर्मूलास फॉर प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी क्वेश्चन मिलेगा, बता रहा हूं क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेगा, नाइदर ए नॉर बी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। देखिए डायरेक्ट लिखा होगा, सब कुछ गिवन होगा, फॉर्मूला में पुट करना है, सब कुछ गिवन होगा, फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, ठीक। इसका मतलब क्या है, ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए, ना ए होना चाहिए अच्छा ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चलिए नाइदर ए नॉर बी, ना ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, ठीक, ना ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, ए डैश बी डैश, लेकिन इंटरसेक्शन लगाओ या यूनियन, ना ए होना और ना बी होना, दोनों का ना होना जरूरी है, बोथ आर कंपल्सरी, बोथ वर्ड आ रहा है, अगर बोथ वर्ड आ रहा है, दोनों का होना ना जरूरी है, बोथ वर्ड आ रहा है, बोथ के लिए क्या यूज करता हूं, इंटरसेक्शन या यूनियन, जल्दी से एक बार, इंटरसेक्शन या यूनियन, बोथ के लिए, नाइदर ए नॉर बी, ए का और बी का ना होना जरूरी है, दैट मीन्स बोथ आर कंपल्सरी इवेंट्स, अगर बोथ आर कंपल्सरी इवेंट्स है तो यूनियन लगाऊंगा, इंटरसेक्शन, एक आंसर आया अर्पिता का इंटरसेक्शन, आपकी बाकियों ने भी करे होंगे लेकिन मैं, मेरे को कंटिन्यूसली यूनियन दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर इंटरसेक्शन है। अगर कंपल्सरी इवेंट्स होते हैं, अगर ए एंड बी आ रहा है, अगर बोथ ए एंड बी आ रहा है, ये वर्ड्स आपको कंफ्यूज करेंगे, और वर्ड आएगा तो यूनियन यूज करूंगा, एंड वर्ड आएगा तो इंटरसेक्शन यूज करूंगा, इसके अंदर इंटरसेक्शन होने वाला है, क्योंकि दोनों का ना होना जरूरी है, बोथ ए एंड नॉट बी, मतलब नॉट ए एंड नॉट बी, एंड वर्ड आ रहा है, नाइदर ए नॉर बी, दोनों का ना होना जरूरी है, अगर ना होना जरूरी है तो इंटरसेक्शन आने वाला है। देखिए इस चीज का पता आपको चलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो दिस इज अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब तो फॉर्मूला लग जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, ए यूनियन बी डैश, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो ये सारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं। अब यहां से अगर ये बात करूं, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा, नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी, अब इसको कैसे निकाल लूंगा, ए डैश और आ रहा है तो यूनियन आएगा, बी डैश और आ रहा है तो यूनियन आएगा, और आ रहा है तो यूनियन आएगा, अब ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश, सो सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, सो दिस विल बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए
यहां पे इस लाइव स्ट्रीमिंग को यहीं खत्म करेंगे, इस लाइव वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। अगर आपको इसके क्वेश्चन चाहिए बहुत जल्दी, अगर आपके देखिए, अगर आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी एग्जाम डेट बतानी पड़ेगी। आप जैसी वीडियो अपलोड होने वाली अभी उसके अंदर कमेंट करना भी आपका फाइनल एग्जाम कब है और उसके अंदर आपके प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से, मतलब देखो क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, तो आपने सिर्फ ये बताना आपका फाइनल एग्जाम कब है और आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे बहुत जल्दी हम इसके अंदर क्लास 11 मैथ्स का एक और वीडियो शूट करेंगे। Thank you so much. Thank you.